हाय देयर, वेलकम बैक टू योर वीडियो। तो यार आज के इस वीडियो में सॉल्व करने वाले अपने GTA 5 है GTA San Andreas का मैप। तो ये GTA San Andreas का फुल मैप है, मतलब आप लोगों को इसमें GTA San Andreas के तीनों सिटीज देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि हमारे GTA San Andreas का लॉस सैंटोस, GTA San Andreas का सैन फिगियो एंड GTA San Andreas का लेस वेंचरस। तो ये GTA San Andreas का फुल मैप है फॉर GTA 5 जो कि आज के इस वीडियो में इंस्टॉल करने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो GTA 5 में GTA San Andreas का मैप इंस्टॉल करने के लिए हमें कुछ रिक्वायर्ड फाइल चाहिए एंड देन GTA San Andreas का मैप चाहिए होगा। तो रिक्वायर्ड फाइल में हमारे पास है GTA 5 का स्क्रिप्ट टू पी.net, लोअर प्लगइन, नेटिव UI, नो बाउंड्री लिमिट्स, हीप एडजस्टर, पैक फाइल लिमिट एडजस्टर एंड देन नो एडिटर रिस्ट्रिक्शंस। और उसके बाद हमें GTA San Andreas का मैप और GTA 5 का गेम कॉन्फ़िग चाहिए होगा। गेम कॉन्फ़िग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इन सब मोड्स को हम अपने ओपन आईवी की तरफ इंस्टॉल करेंगे। तो अपने ओपन आईवी को हम ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ से अपने GTA 5 सेलेक्ट करना है एंड देन हमारी जो ओपन आईवी है यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ से हमारी ओपन आईवी ओपन हो गई है। देन एडिट मोड को ऑन करना है, यस करना है एंड ओपन आईवी को हम एक साइड पे कर देंगे। एंड अब बारी आती है हमारे स्क्रिप्ट पी को इंस्टॉल करने की। तो सिंपल हम इस फाइल को ओपन करेंगे, बिन फोल्डर को ओपन करेंगे एंड देन जितने फाइल्स हैं सब फाइल्स को सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ से ड्रैग करके अपने ओपन आईवी में ड्रॉप कर देंगे। नाउ इस फाइल को हम क्लोज कर देंगे एंड देन स्क्रिप्ट पी को ओपन करेंगे एंड इसमें जितने ही फाइल्स हैं सब फाइल्स को सिलेक्ट करेंगे। लाइसेंस और रीडमी को सिलेक्ट नहीं करना है, जस्ट ये रीडमी फाइल्स होते हैं। तो जस्ट इसे भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। तो ओपन आईवी में आप लोगों को रिप्लेस का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है, जस्ट उसमें फाइल रिप्लेस ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। तो लोअर प्लगइन वाले फाइल को ओपन करेंगे एंड देन इसमें जो दो फाइल्स हैं इन दोनों फाइल्स को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से ड्रैग करेंगे एंड अपनी ओपन आईवी में ड्रॉप कर देंगे। नाउ अब बारी आती है हमारे रिलीज की। रिलीज मतलब नेटिव यू है। तो हम उस फाइल को ओपन करेंगे एंड देन यहाँ पे आप लोगों को दो फाइल्स देखने को मिलते हैं। तो इन दोनों फाइल्स को हमने स्क्रिप्ट के फोल्डर में इंस्टॉल करने हैं। तो हम यहाँ से अपने स्क्रिप्ट का फोल्डर ओपन करेंगे एंड देन सिंपल हम दोनों फाइल्स को सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप कर देंगे एंड नेटिव यूआई वाली फाइल को भी क्लोज कर देंगे। तो अब बारी आती है हमारे नो बाउंड्री लिमिट्स की। तो सिंपल हम इसे भी ओपन करेंगे एंड देन इन दोनों फाइल्स को सिलेक्ट करेंगे एंड जस्ट यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप कर देंगे। नाउ इसे भी हम क्लोज करते हैं एंड अब हीप एडजस्टर को भी हम इसी तरह से इंस्टॉल करेंगे। दोनों फाइल्स को सिलेक्ट किया, ड्रैग किया एंड देन ओपन आईवी में ड्रॉप कर दिया। तो उसके बाद बारी आती है हमारे GTA 5 के पैक फाइल लिमिट एडजस्ट की। तो सिंपल इसे भी हम दोनों फाइल्स को सिलेक्ट करेंगे एंड देन जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। नाउ इसे भी हम क्लोज करेंगे एंड उसके बाद नो एडिटर रिस्ट्रिक्शंस को भी हम ओपन करेंगे एंड इन दोनों फाइल्स को सिलेक्ट करेंगे, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। नाउ ये सारी फाइल्स हमारे गेम में इंस्टॉल हो गई हैं। तो अब बारी आती है हमारे GTA 5 के ASI मैनेजर की। तो हम ASI मैनेजर वाले आइकन पर क्लिक करेंगे। जस्ट अगर आपके पास ASI मैनेजर इंस्टॉल नहीं है, अगर इंस्टॉल नहीं होगा तो कुछ इस तरह से आएगा। तो आपने सिंपल इस पर इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करना है एंड ASI मैनेजर को इंस्टॉल कर लेना है। तो उसे क्लोज कर देंगे। तो अब बारी आती है हमारे GTA San Andreas मैप की। तो GTA San Andreas नॉर्थ वेस्ट वाले मैप को हम राइट क्लिक करके एक्सेप्ट कर लेंगे। तो GTA San Andreas मैप पॉइंट, तो हमारा जो GTA San Andreas मैप पॉइंट एक्सेप्ट हो रहा है। तो हम इस फोल्डर को ओपन करेंगे एंड देन यहाँ पे आप लोगों को कुछ फाइल्स देखने को मिलेंगे। तो सिंपल है हमारे पास GTA San Andreas का नॉर्थ वेस्ट OIV फाइल। तो जस्ट हम इसे यहाँ से ड्रैग करेंगे एंड अपनी ओपन आईवी में ड्रॉप कर देंगे। नाउ उसके बाद आपने क्या करना है, हमारा जो पैकेज इंस्टॉलर है वो यहाँ से ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा पैकेज इंस्टॉलर ओपन हो गया एंड देन इंस्टॉल बटन पर क्लिक करना है एंड यहाँ से आप लोगों ने अपने मोड्स का फोल्डर सेलेक्ट करना है, गेम फोल्डर सेलेक्ट नहीं करना है। अगर आप गेम फोल्डर में सेलेक्ट करते हो और अगर आपका मोड करप्ट हो जाता है तो आपको पूरा गेम अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इसलिए हम जब भी कोई मोड्स इंस्टॉल करते हैं तो मोड्स फोल्डर में ही करते हैं एंड देन कन्फर्म इंस्टॉलेशन पर क्लिक करेंगे एंड नाउ यहाँ से हमारा जो मोड इंस्टॉल हो रहा है। तो अब यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रास भी दिखा देता हूँ। तो एक्स्ट्रा में हमारे पास टाइम साइकिल है, ब्रिजेस है एंड देन उसके बाद ट्रेन फाइल्स फॉर सैन एंड्रियास है। तो ये कुछ मैप्स वगैरह हैं और उसके बाद हम इस फाइल को क्लोज करते हैं। तो हमारा जो GTA San Andreas का मैप इंस्टॉल हो गया है। तो ये सारी चीज़ें ऑप्शनल है, तो मैं ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं कर रहा हूँ एंड देन उसके बाद लास्ट में हमने इंस्टॉल करना है गेम कॉन्फ़िग। तो गेम कॉन्फ़िग वाले फाइल को हम ओपन कर लेंगे एंड यहाँ से आपने अपने वर्जन का गेम कॉन्फ़िग इंस्टॉल करना है। तो गेम वर्जन आपने कैसे चेक करना है तो मैं आपको बताता हूँ। तो आपने अपने GTA 5 के आइकन पर राइट क्लिक करना है एंड ओपन फाइल लोकेशन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आने के बाद आपने अपने GTA 5 EXE मतलब GTA 5 एप्लीकेशन वाले आइकन पर राइट क्लिक करना है एंड देन यहाँ से आपने प्रॉपर्टीज़ में आ जाना है। प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद यहाँ पे आप लोगों को डिटेल्स में आना है एंड देन यहाँ पे आप लोगों का गेम वर्जन देखने को मिल जाएगा 1.0.2802.0। तो ये मेरा गेम वर्जन है, तो हम इसे क्लोज कर देंगे एंड देन यहाँ पे जो लेटेस्ट है मेरे पास वो है 1.0.3258। तो हम ओल्ड वर्जन वाले फोल्डर को ओपन करेंगे एंड स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे मेरा वर्जन है वॉल्यूम 31.0.28। तो ये मेरा वर्जन है
यहाँ पे मैं मोर मोड्स वाले फोल्डर को ओपन करूँगा एंड देन यहाँ पे स्टॉक ट्रैफिक्स में जी टी बेस वाले फोल्डर को ओपन करेंगे एंड देन आपने इस गेम कॉन्फ़िग किस तरह से सॉल्व करना है तो अपने अपनी ओपन आई वी में आना है, मोड्स में आना है, अपडेट अपडेट आर पी एफ कॉमन डेटा डेटा में आने के बाद आपने इस फाइल को सिंपल यहाँ से जस्ट ट्रैक करना है एंड यहाँ पे ड्रॉप कर देना है। तो हमारे जी टी ए 5 की गेम कॉन्फ़िग इंस्टॉल हो गई, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना जी टी ए 5। तो हम सब फाइल्स को क्लोज कर देंगे एंड देन स्टार्ट करेंगे अपना जी टी ए 5। तो गाइस यहाँ पे मुझे एक एरर शो हो रहा है, पैक फाइल लिमिट एडजस्टर अनेबल टू फाइंड पैटर्न #21। तो अगर आपके पास भी एरर शो होता है तो आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना है, जस्ट आपने अपने पैक फाइल लिमिट एडजस्टर वाले फाइल को ओपन करना है एंड पैक फाइल लिमिट एडजस्टर कॉन्फ़िगरेशन फाइल और ASI फाइल दोनों को सेलेक्ट करना है। जस्ट आपने इसे कॉपी कर लेना है एंड अपने GTA 5 के फाइल लोकेशन को राइट क्लिक करके ओपन करना है, ओपन फाइल लोकेशन एंड देन यहाँ पे आपने इसे पेस्ट कर देना है। तो मैं इसे पेस्ट कर दूंगा और रिप्लेस भी कर देना है। नाउ अब स्टार्ट करते हैं अपना GTA 5 एंड अब मेरा जो गेम का एरर था वो फिक्स हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं गेम। तो गाइस यहाँ से हमारा जो GTA 5 है वो स्टार्ट हो गया एंड आप लोग देख सकते हो मेरे मिनी मैप में हमारे GTA San Andreas का मार्कर देखने को मिल जाएगा, मतलब हमारा जो GTA 5 है वो बिना किसी एरर के स्टार्ट हो गया एंड हमारा मोड भी वर्क कर रहा है। तो यहाँ से मैं आप लोगों को अपने मैप को ओपन करके दिखाता हूँ। तो हम स्केच करते हैं एंड देन यहाँ से हमारा जो मैप ओपन हो गया है तो मैप में आते हैं एंड आप लोगों को यहाँ पे हमारे GTA San Andreas का मैप देखने को मिल जाएगा। तो गाइस आप लोग देख सकते हो ये है हमारा ग्रीन मार्कर एंड यहीं पे हमारे GTA San Andreas का मैप लोड होगा। तो यहाँ से मैं एक दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट करता हूँ एंड उसके बाद मैं आप लोगों को अपनी GTA San Andreas का ब्रिज दिखाता हूँ। तो यहाँ से मैंने टेलीपोर्ट कर लिया एंड आप लोग देख सकते हैं हमारे GTA San Andreas का ब्रिज। तो आप लोगों को मैं ये लोकेशन दिखा देता हूँ, तो अपने मैप को ओपन करते हैं एंड देन आप लोगों को ये वाले सिटी में यहाँ पे GTA San Andreas का ब्रिज देखने को मिल जाएगा, जिसकी वजह से आप इजी अपने GTA San Andreas में जा सकते हैं। तो आपने इस लोकेशन पर आना है एंड यहाँ पे आप लोगों को अपने GTA San Andreas का ब्रिज देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक दफ़ा और अपने मैप को ओपन करके दिखा देता हूँ। जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये हमारे मैप का लोकेशन एंड यहाँ से हम अपने GTA San Andreas में जाएंगे। तो ये है हमारे GTA San Andreas का ब्रिज। तो चलते हैं अपने GTA San Andreas मैप में। तो गाइस यहाँ से हम आ गए अपने GTA San Andreas मैप में एंड आप लोग देख सकते हो यहाँ से हमारा जो पूरा GTA San Andreas का मैप है वो लोड हो गया है एंड इवन के आप लोगों को इसमें GTA San Andreas के तीनों सिटीज़ देखने को मिल जाएंगे। तो आप तीनों सिटीज़ में इजिली आ जा सकते हैं। तो तीनों सिटीज़ जो अपने GTA San Andreas की तरह बाय रोड कनेक्टेड हैं। तो आप लोग देख सकते हो ये हमारे GTA San Andreas का सैन फ्रांसिस्को सिटी एंड इस गेम में आप लोगों को कोई भी ट्रैफिक या पैड्स देखने को नहीं मिलेगा। तो होपफुली कि इसके अगले अपडेट में ये इशू भी फिक्स हो जाए कि हमारे GTA San Andreas मैप पॉइंट के साथ हमें अपने GTA San Andreas का ट्रैफिक भी देखने को मिले। तो बाकी इस मैप में और ऐसा कोई भी ग्लिच वगैरह नहीं है, जस्ट थोड़े बहुत बग्स आप लोगों को इस मैप में देखने को मिल जाएंगे। तो गाइस ये है हमारे GTA San Andreas का लास्ट वेंचर सिटी। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं तो आप लोग तीनों सिटीज़ में इजीली आ जा सकते हैं एंड आपका GTA San Andreas आपकी GTA 5 से भी कनेक्ट है। तो ये था GTA San Andreas मैप फॉर GTA 5। तो होपफुली आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।